नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं एक बात करने जा रहा हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री इतना ख़राब हो चुका है कि जिसके विषय में बोलना भी शर्म लगती है। आज जो बात आप लोग सुन रहे हैं मीडिया में आ रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री इतना ख़राब हो चुका है। इसी बात पर मैं कहने जा रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं सब अपने आप को एक घमंड के तहत पे जा रहे हैं। क्या है कि आपको कर रहा है काम, अपने हिसाब से कीजिए, अपने हिसाब से रहिए, और अपने ही परिवार में किसी का माँ बाप को गाली देना और अपना औकात भूल जाना अच्छा नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, अपना गीत गाइए, अपना काम से मतलब रखिए, शूटिंग से मतलब रखिए। जो किसी काम कर रहे हैं अपने काम से मतलब रखेंगे, दूसरे से क्या मतलब रखेंगे। और कौन क्या कर रहा है, जो करेगा, जो गलती करेगा भुगतेगा, जिसके ऊपर जाएगा वही बूझेगा। तो इस तरह का काम ना किया जाए और मिलजुल के रहें आप लोग। और जितना ही मिलजुल के रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री एक का नहीं है, सभी का है। और सब लोग मिल करके रहेंगे तो अच्छा काम होगा और अच्छा शूट होगी और फ्रेश भी दिमाग रहेगा आपका। ज़्यादा टेंशन लेकर के काम करेंगे तो होता है ना, कभी कभी एक्टर को हंसाना पड़ता है और उसके घर में टेंशन रहेगा तो कैसे हंसेगी, हंसेगी नहीं ना। तो टेंशन देने का नहीं है और फ्रेश होकर के काम करना है। आप अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं, किसी की माँ बहन की गाली दे रहे हैं, वैसा बात मत कीजिए। और गीत गाना है तो सफ़ा सुथरा गाइए। जो भी गीत गाना है किसी के ऊपर क्यों आलोचना लगा करके गीत गाएँगे, इस तरह के गीत ना गाइए। और एक और भी मैं रवैया देख रहा हूँ, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार हैं उन लोगों के ऊपर गीत गा देने से क्या होता है कि अपना व्यूज बढ़ता है, इस तरह के बात आप लोग सोच रहे हो। तो इस तरह से नहीं होता भैया। एक गीत में, एक वीडियो में आप अपना ज़्यादा व्यूज ले लोगे और बाद में आपके पास क्षमता नहीं है, कला नहीं है, गला नहीं है, तो कैसे होगा, है कि नहीं। आपको उसी तरह से उसी क्वालिटी में गाना भी तो होगा ना। और क्षमता नहीं है और किसी के नाम पर, एक चर्चित कलाकार के नाम पर आप उसका बदनाम कर देना है तो आपका व्यूज बढ़ेगा, ये नहीं कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरे बात क्या करेंगे, सभी को बदनाम करके आगे बढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा ना। तो इस तरह का काम मत कीजिए, किसी भी समाज को फोहर मत बनाइए, गंदा मत बनाइए, सफा सुथरा रखिए। और आप भी अपने जगह पर रहिए, आपके घर में माँ है, बा है, बहन है, बिटिया हैं, तो उसी तरह से काम कीजिए। हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक होकर रहे और किसी को हम ये नहीं कहने वाले हैं, लेकिन अपने अपने जगह पर आप लोग सब लोग सुधर जाओ। नहीं तो भाई भोजपुरी इतना गंदा हो जाएगा कि सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। और अब भोजपुरी आगे बढ़ रही थी और बढ़ रही है, इस समय में आप लोग इस तरह की गलत हालत करोगे तो अपने ही लिए घटा होगा। तो हमारे जितने इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग शेयर कीजिए। किसी के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ हो अपने दिमाग को फ्रेश बना करके काम करो, किसी के ऊपर आलोचना मत लगाओ। गाना है तो अच्छी गीत गाओ ना, बहुत से पहले गीत आ रही थी तो अश्लीलता ले आने वाले हम ही भोजपुरी वाले तो हैं। तो इस तरह का ना करें और जहाँ से जो भी है अपना अपना सुधार करके आगे बढ़ें और अच्छी गीत गाएं जो समाज में बैठ करके सुनने लायक हो, उस तरह का गीत गाइए। धन्यवाद प्रणाम, जय भोजपुरी। और यह मेरा चैनल है प्रेमी श्याम सुंदर म्यूजिक चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आप सकेंगे तो भाई शेयर कर दीजिएगा। और जहाँ रहिए खुश रहिए, कोरोना से बच के रहिए। और मैं भी बहुत दूर जा करके एकांत में वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जितना सके होम स्टे करके बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा दूरियाँ बना करके बैठें। और सैनिटाइज़र हो गया, मास्क का प्रयोग आपका, और साबुन से हाथ धोना, लगायत का दूरी बना करके बैठना बहुत ज़रूरी है। तो बच के रहिए, सेफ रहिए और हमारे समाज को भी सेफ बना करके रखिए। धन्यवाद प्रणाम, जय भोजपुरी।